keep it real. शश, हाँ बहन चुप रही हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कैसा है तू, ऐसे बिना बताए कैसे आ गया? कितना दुबला पतला हो गया, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? नहीं अम्मी जान, मैं अपना पूरा ख्याल रख रहा हूँ, पर अगर मैं आपको बताकर आता तो आपके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे आती? हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, और इस बार तू आया है ना तो तेरा निकाह करा के भेजूंगी मैं। अरे अम्मी जान निकाह को छोड़ो, इन छुट्टियों में पहले मैं आपका घुटनों का ऑपरेशन कराऊंगा। अरे मेरे घुटनों को छोड़, पहले तू इस छत को ठीक करा, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, टपकती है बहुत। अरे भाईजान आप इस बार ईद पर आए हो तो ईद के लिए नए कपड़े दिलवा कर ही जाऊंगा। हाँ हाँ बहन दिलवा कर ही जाऊंगा। अरे पापा आप आ गए। मम्मी देखो पापा आ गए। हाँ मेरे बच्चे मैं आ गया। अरे आप आ गए, आपने बताया भी नहीं। अरे अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कैसे होता। अच्छा बैठो मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और बताओ मेरी शेरनी बेटी कैसी है? ठीक हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, इस बार तो मेरे फुल मार्क्स आएंगे पापा। पापा इस बार हम कहीं घूमने चलेंगे। अरे बेटा अपने पापा से बाद में बात कर लेना, पहले ने पानी तो पीने दो। कमांडर्स आप सबके छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तुरंत बेस कैंप पे लौटिए। हेडक्वार्टर से फोन आया है, मुझे वापस जाना होगा। अश्क ना हो माना कल से होंगे हम दूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। नैना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना, अश्क ना हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना, अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो। भारतीय सैनिक लड़ता है इसलिए नहीं कि वह अपने सामने वालों से नफरत करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने पीछे वालों से प्यार करता है। देश की सेवा में हर सैनिक अपनी खुशी तक कुर्बान कर देता है। आमिर और गौरव को उनके परिवार के खिलखिलाते चेहरों को फिर एक बार उदासी में बदल कर आना पड़ा, क्योंकि उनके लिए उनकी देश की रक्षा ज्यादा जरूरी थी। उन्हें हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। मेजर आमिर रिपोर्टिंग सर। मेजर गौरव सिंह रिपोर्टिंग सर। कमांडर्स हेडक्वार्टर से रिपोर्ट आई है कि आतंकियों का हमला हो सकता है, सो बी अलर्ट। यस सर। टीम अल्फा तुम मेरे साथ रुको और टीम ब्रावो तुम पेट्रोलिंग के लिए जाओ। यस सर। हमारा तिरंगा इसे नहीं फहराता है कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। कुछ आतंकवादी बेस कैंप पर हमला करने की नीति बनाते हैं, वहीं दो जवान सड़क पर रखवाली कर रहे होते हैं। ये बेस कैंप का नक्शा है, हमें इस पर हमला करके इस पर कब्जा करना है। जी जनाब। तुम्हें इस बेस कैंप पर नजर रखनी है और मुझे हर पल पल की खबर देनी है। जी जनाब जाता हूँ। जनाब हमारे पास केवल 15 मिनट का समय है इस बेस कैंप पर हमला करने के लिए और इसे अपने कब्जे में लेने के लिए। जनाब अभी दो जवान पेट्रोलिंग के लिए गए हैं और बेस कैंप पर तीन जवान अभी बाकी हैं।
चलो अब अपने हथियार उठाओ और हमला करो। जी जनाब। साथ यही तक था। सर अभी जिंदा है, इन्हें किसी महफूज जगह पे लेके चलो। मेजर आमिर और मेजर गौरव जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके घर कॉल जाता है कि धरती माँ के दो बेटों ने उसकी इज्जत कम नहीं होने दी।
हर बार नींद उड़ जाती है यह सोचकर कि सड़क पर जो खून बहा था वो मेरी चैन की नींद के लिए था। हमारे जवान उन आतंकवादियों से बदला लेने की तैयारी करते हैं जिन्होंने उनके भाइयों को बड़ी बेरहमी से छिपकर टायरों की तरह मारा था। कमांडर्स, who are we? ने जंग शुरू नहीं की थी बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। आई सेड हाउ इज द जोश? हाई सर। गुड। लेने जाते हैं और अब असली जंग शुरू होती है। हमारे दो जवान पहले शहीद हो चुके हैं। आप अब मुझे आगे जाने दीजिए, मैं किसी तरह बेस कैंप पर पहुंच कर बम ब्लास्ट कर दूंगा। आर यू श्योर मेजर? यस सर। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तुम जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। जी जनाब। अलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया। मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौदर्द। बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हो, अब बोल कर दिखाओ। भारत माता की जय। नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। रंग के सरशूरा वालिया, रंग सबज खिली फुलकारिया, रंग चिट्टा नीयत साफ था, रंग तीनों चांद से प्यारिया।
पर हर किसी की कफन को तिरंगा नहीं नसीब होता। बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो जो वहाँ सड़क पर खड़े हैं और जिनकी वजह से हम सब ने चैन की नींद सोई। एक बेटे की अपने पिता के लिए जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं, एक बहुत ही भावुक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। माँ मेरा मन बात यह ना समझ पाए है, माँ मेरा मन बात यह ना समझ पाए है, ओढ़ के तिरंगा क्यों पापा घर आज। पहले पापा बेटा बेटा कहते आते थे, सौफिया खिलौने साथ में भी लाते थे, पर ना जाने आज क्यों वो चुप हो गए हैं। लगता है खूब गहरी नींद हो गए हैं। नींद से पापा उठो, आपका बेटा बुलाए है, ओढ़ के तिरंगा क्यों पापा घर आए हैं। माथे का सिंदूर क्यों है दादी पूछती, लाल चूड़ी हाथ से माँ के क्यों है बुआ तोड़ती, काले मोतियों की माला क्यों उतारी है, क्या तुझे माँ हो गया समझना भारी है। पापा की राह में क्यों फूल सजाए हैं, पापा की राह में क्यों फूल सजाए हैं, ओढ़ के तिरंगा क्यों पापा घर आए हैं। पापा ये दादा कह रहे थे तुमको जलाऊं मैं, पापा ये दादा कह रहे हैं तुमको जलाऊं मैं, बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊंगा, इस आग में समा के साथ छोड़ जाओगे, आंसू में आंखों में आंसू होंगे बहुत याद आओगे। अब आया समझ माँ ने आंसू क्यों बहाए हैं, ओढ़ के तिरंगा पापा क्यों घर आए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस बात कि हम भारतीय होने से पहले क्यों हिंदू मुस्लिम से ईसाई होना पसंद करते हैं, क्यों ना हम शांत से ये कहें हमारा धर्म भारतीय है। तो मेरे दोस्तों हम भारत का आने वाला कल हैं, तो हम सब मिलकर यह कसम खाएं कि हमारे देश की हर बेटी हर बच्चा सुरक्षित होगा। हम देश के धर्म जाति में नहीं बांटेंगे और देश को आतंकवाद से मुक्त कराएंगे। यही होगी सही मायने में हमारी आजादी। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि इतने साल हो गए हमारी हमें आजादी मिले, पर आज भी लड़कियां रात को घर से बाहर निकलने में कतराती हैं। बहुत से लोग आज भी रात को भूखे ही सो जाते हैं। स्वच्छता का वादा हम सब देशवासी करते हैं, पर पूरा हम सबको पता है कितने करते हैं। क्या ऐसा देश चाहते थे वो वीर जवान जिन्होंने न्योछावर कर दिए हमारी नींद के लिए अपने प्राण। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो उन शहीदों की कहानी। अब मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी हमारे तिरंगे की ओर देखते हुए शान से चलिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल सर, कविता मैम एंड होल साइंस डिपार्टमेंट फॉर गाइडिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म अ वंडरफुल एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। थैंक यू। With the bells, with the bells.